जी गर्ल्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 3 अब हम करने वाले हैं। स्टेटमेंट एज इट इज़ आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेनी है गर्ल्स। यहाँ देखिए फॉर्मूला गिवन है, पी इज इक्वल टू 95 रेज टू पर माइनस क्यू बाई 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट वेयर क्यू इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड पी इज़ द प्राइस ऑफ वन यूनिट। हाउ मेनी यूनिट विल बी डिमांडेड इफ़ द प्राइस इज रुपीज़ 18। मतलब यूनिट से मुराद है क्यू, प्राइस से मुराद है पी। तो पी गिवन है, क्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, पी इज इक्वल टू 95 माइनस क्यू बाई 10 एज इट इज़ गिवन है, हमने वो यहाँ लिख ली। पी की वैल्यू 18 है, क्यू हमें फाइंड करना है। गर्ल्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग 18 आ जाएगा, लॉग 90 प्लस लॉग 5 रेज टू पर माइनस क्यू बाई 10, एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगी, नेगेटिव है तो माइनस क्यू बाई 10 आएगा। लॉग 5 गर्ल्स आपके पास कैलकुलेटर पे आएगा 0.6889। जब आप उसको 9 को राउंड ऑफ करते जाएंगे तो वो बन जाएगा 0.6990। ठीक है, इधर देखिए अब लॉग 18 की वैल्यू है, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट निकालेंगे, लॉग 90 की वैल्यू है, ये वैल्यू इधर जाके माइनस हो जाएगी तो हमारे पास नेगेटिव 0.699 आएगा। ठीक है गर्ल्स, यहाँ देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, ये 10 उधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, 1 आएगा, 10 वन्स आर 1, तो क्यू की वैल्यू आ गई 10, क्यू इज़ इक्वल टू 10 यूनिट।